हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल वेज किचन तड़का में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गार्लिक पिकल यानी कि लहसुन का अचार। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 250 ग्राम लहसुन लिया है और ये बड़े साइज़ का था, इसको हमने लंबाई में कट कर लिया है। एक चम्मच मैंने सौंफ ली है और एक चम्मच काली सरसों और एक चम्मच पीली सरसों, एक चम्मच जीरा और आधा छोटी चम्मच मैंने मेथी दाना का पाउडर लिया है। अगर आप मेथी दाना ले रहे हो तो भी आप आधा चम्मच ले लें। एक कप सरसों का तेल, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच नमक, चुटकी भर हींग, ये मेथी दाना पाउडर जो है इसको और कलौंजी को निकाल के ये हम रोस्ट कर लेंगे। जीरा, सौंफ, दोनों सरसों के दाने, जो हमने मेथी दाना का पाउडर लिया है उसको हम माइक्रोवेव में 30 सेकेंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। अगर आप मेथी दाना ले रहे हो तो आप इसमें ही मेथी दाना डाल के रोस्ट कर लें। इनको अच्छे से भून के इनको हमने दरदरा सा कूट लेना है। ये देखिए, ये चटकने लग गए हैं, इसका मतलब है कि ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। हमने सेम पैन ले लिया है और गैस को ऑन कर लिया है। इसमें हमने तेल डाल दिया है। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तो हम अपने रोस्ट किए हुए मसाले कूट लेते हैं। इनको बस दरदरा सा कूटना है। तेल गर्म हो गया है, ये देखिए इस तरह से कूटना है इनको। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमने थोड़ा कम किया हुआ है। इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। बस थोड़ा सा सॉफ्ट ही करना है हमें इनको। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, 1.5 चम्मच ही डाला मैंने। नमक डाल देंगे 2 चम्मच। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। जो हमने मसाला कूट के रखा था वो डाल देंगे इसमें। ये 1 नींबू का रस लिया था वो डाल देंगे। इससे हमारा अचार बहुत चटपटा सा बनेगा। आधी चम्मच मैंने कलौंजी डाल दी है और आधी चम्मच ही मैंने मेथी दाना पाउडर डाल दिया है। अब ये ठंडा हो गया है, हम इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। जब ये अच्छे से ठंडा होगा तो हम इसको कांच की बोतल में भर के रख लेंगे। ये 1 साल तक चल जाएगा। देखिए हमारा कितना अच्छा अचार बनके तैयार हुआ है।
अगर आपको मेरे अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।